सो हेलो वाइज वेलकम बैक अगेन टू द चैनल मेरा नाम है अजीत और आप सब लोग देख रहे हैं फार्मा ब्रदर्स आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट सी एम डबल एस मैनेजर रिक्रूटमेंट दो हज़ार बाईस के बारे में जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी है जिसमें एक वेयर हाउस मैनेजर यानी कि फार्मासिस्ट की भी रिक्वायरमेंट है और साथ के साथ यहाँ पे मैनेजर जनरल मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की भी रिक्वायरमेंट है पाँच अगस्त दो हज़ार बाईस से पहले पहले आप लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं चलिए डिटेल में जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि आगे इस वैकेंसी के बारे में आप क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में रिक्रूटमेंट डिटेल्स के बारे में जानेंगे कब फॉर्म अप्लाई करना है कैसे करना है कहाँ करना है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे एप्लीकेशन फी और उसको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे और इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में जानेंगे तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सी एम डब्ल एस मैनेजर रिक्रूटमेंट दो हज़ार बाईस डिटेल्स के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ सी एम डबल एस क्या है सी एम डब्ल एस है सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की जो लिंक दे रखी है वो ये दे रखी है इसको आप ओपन करके देख सकते हैं और एडवर्टीजमेंट नंबर भी यहाँ पर दे रखा है ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट यहां पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पे पांच है टाइप ऑफ वैकेंसी यहां पे मैनेजर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था इनका 22 जून 2022 से स्टार्ट हो गया था अभी आगे आपको पता चलेगा कि वो ऑनलाइन फिलिंग है या ऑफलाइन फिलिंग है और लास्ट डेट आपकी पांच अगस्त है यानी कि पांच अगस्त से पहले पहले आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी बताई गई है वेयर हाउस मैनेजर फार्मासिस्ट की वैकेंसी दो है यहाँ पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्रोक्रूटमेंट की वैकेंसी एक है जनरल मैनेजर प्रोक्रूटमेंट की वैकेंसी भी एक है मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी वैकेंसी यहाँ पर एक है आगे बढ़ते हैं जॉब लोकेशन क्या है यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर एनएक्स टू मेन बिल्डिंग एंड रेड क्रॉस सोसाइटी रेड क्रॉस रोड डबल वन ट्रिपल जीरो लास्ट डेट पांच अगस्त दो हजार बाईस एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम है क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी हुई है एम बी एज लिमिट सिक्सटी फाइव ईयर है उसके अंडर जो भी है वो अप्लाई कर सकता है सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होगा कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द अब या तो रिटर्न टेस्ट होगा या फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा या फिर मेडिकल टेस्ट और वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन यहाँ पर आ, किया जाएगा कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द गिवन क्राइटेरिया इन इन गिवन क्राइटेरियाज में से कोई भी दिए हुए क्राइटेरिया में से आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को ठीक है इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दूं जो नोटिफिकेशन था वो पब्लिश हुआ था तेईस जून दो को और लास्ट डेट इसकी पांच अगस्त दो है तो यहां पर एप्लीकेशन फी के बारे में बात कर लेते हैं हम मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पे पांच लगेंगे जनरल मैनेजर की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए हजार लगेंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर की अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हजार लगेंगे और वेर

चलेगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहां पे पढ़ सकते हैं, है डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं कैसे फिल करना है क्या आपको फिल करना है चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में पहला पॉइंट यहां है देखा कैंडिडेट आर रिक्वायर टू अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड अदर रिलेटेट डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन फी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ या फिर एनी एफ टी अलॉन्ग विद्लीकेशन फॉर्म तो आपको फी भरने का मैथड भी दिखा दिया और आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या अटेस्ट करनी है वो भी आपको बता दिया यहाँ पर दूसरा यहां पर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट टू बी सेंट इन सील्ड एनवे मार्केटेड एस एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट या जनरल मैनेजर या मैनेजर एट सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी तो आपको एक एनवेलप में पैक करके पोस्ट करनी है ये इस एड्रेस को नोटिस करते हुए और टॉप पर आपका लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट या जनरल मैनेजर एट सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी और एड्रेस आपको कहा करनी है द जनरल मैनेजर को एडमिनिस्ट्रेशन में सी एम एस एस सेकेंड फ्लोर विश्व युवक केंद्र तीज मूर्ति मार्ग चाणक्यपुरी और न्यू दिल्ली वन वन जीरो जीरो टू वन इनका पिन कोड है तो आपको एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके एनवलअप में यहां पर भेज देनी है जैसा कि सारी डिटेल यहां पे मेंशन कर रखी है आप देख सकते हैं कि किस कि तरह आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है डिमांड ड्राफ्ट और एनई के थ्रू आपको फॉर्म की फीस भरनी है और डॉक्यूमेंटेशन आपको यहां पर भरना है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं आपको बता दूँ एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लेना डिटेल में हो सकता है कि मेरे से कुछ चीज छूट गई हो लेकिन वहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी आई होप इस वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन काफी कवर कर दिया मैंने अगर कोई भी सवाल आपके मन में है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं बाकी मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। देन टेक केयर बाय बाय धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत